हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो फार्मा जॉब वैकेंसीज के बारे में। यहाँ पर आप देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं, 425 रहने वाली है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये जॉब वैकेंसी है। क्या रहनी है जॉब वैकेंसीज और कहाँ पर ये जॉब है, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। दूसरा, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से फार्मा की जॉब वैकेंसीज के बारे में, तो कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में, जहां पर आप लोगों को बी फार्मा, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम, एग्जिट एग्जाम, फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, नाइपर, इस प्रकार के सभी प्रिपरेशन आप लोगों को हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर कराई जाती है। और अब आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, अगर जो मैं इस ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट जो प्राइवेट लिमिटेड की जॉब वैकेंसीज के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आप लोग नीचे हम लोग स्क्रॉल डाउन करके आते हैं, पॉइंट नंबर 7 पर यहाँ पर फार्मासिस्ट की एक पोस्ट लिखी हुई है। अभी आगे भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फार्मासिस्ट की यहाँ पर रहने वाली है 21। तो कैसे कैसे क्या क्या है फार्मासिस्ट एनसीआई, जो हमारा क्या है बेसिकली टोटल नंबर ऑफ जो सैलरी रहने वाली है वो कितनी है, यहाँ पर 28,000 यहाँ पर सैलरी रहने वाली है पर मंथ, और मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है 45 साल है। ठीक है, बी फार्मा विद 3 ईयर पर्सनल एक्सपीरियंस हमारा यहाँ पर मांगा जा रहा है। इसके बाद में अगर जो हम लोग यहाँ पर देखिए, ये फार्मासिस्ट की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 4 है। सैलरी यहाँ पर भी कितनी रहने वाली है, 28,000 सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। फार्मासिस्ट की यहाँ पर देखिए 5 वैकेंसीज ये रही, वर्कर के तौर पर फार्मेसी वर्कर के तौर पर, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, यानी कि क्या जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, और यहाँ पर क्या जिसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर बात हुई है ना। स्किल्ड का मतलब क्या जाएगा कि उसने डिप्लोमा किया हुआ है, सेमी स्किल्ड का मतलब क्या वो 12th पास आउट है, और उसने क्या 1 साल का उसके पास में एक्सपीरियंस है, और वहीं पर ही अनस्किल्ड में हम लोग 10th पास आउट और फ्रॉम एनी बोर्ड उसके बारे में बात करेंगे। कंप्लीट यहाँ पर क्या है एज लिमिट क्या होने वाली है, जो स्किल्ड है उसकी 45 साल रहने वाली है, और सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड की 35 साल रहने वाली है। और जो इनका सैलरी रहेगा वो क्या है गवर्नमेंट जॉब मिनिमम वेज रेट यहाँ पर रहने वाला है, मिल जाएगा। जैसे कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर लास्ट डेट आपकी इस एप्लीकेशन की है 15/2/2024, तो आप लोग फरवरी की 15 तारीख तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को अप्लाई करना है तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, लिंक मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, बात करते हैं दूसरे हमारा ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि ओएसएससी की तरफ से भी फार्मा की जॉब वैकेंसीज आ रही है। देखिए यहाँ पर 7 तारीख का ही अपडेट है, क्या अपडेट है आप थोड़ा सा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पर दोनों पर प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर 7 फरवरी का ही अपडेट है, यहाँ पर देखिए आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर डिफरेंट हमारा इस वाले, अगर जब इस ईएसआई स्कीम को अगर जब आप क्लिक करते हैं और व्यू पीडीएफ पर जाते हैं, तो ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर जो मैं आप लोगों को दिखाऊं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से 19/2/2024 से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए, जब स्टार्ट हो जाएंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो सारा कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों को बना करके प्रोवाइड कर दूंगा। और लास्ट डेट है कितनी, 18/3/2024, यानी कि क्या फरवरी में एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होंगे और मार्च तक आपके एग्जाम फॉर्म चलेंगे। अगर जो आप लोग क्या है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो यही हमारा क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की डेट लिखी हुई है, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट लिखी हुई है, डेट ऑफ द एंड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर एंड कब होगा उसके बारे में यहाँ पर चीजें लिखी हुई है। ठीक है, अगर जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर देखिए अलग अलग हमारी क्या है जॉब वैकेंसीज आई हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं। और जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो हमारे क्या है सीएसएसडी टेक्नीशियन और हमारा क्या है सीएसएसडी असिस्टेंट के तौर पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी नंबर ऑफ पोस्ट 1-1 रहने वाली है। हमारा क्या है ग्रुप सी की ये वैकेंसी है, और पे कितना रहने वाला है, लेवल 5 का यहाँ पर पे रहने वाला है। अब देखिए इसके नीचे हम लोग इसका है कि देखिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया नंबर 6 और नंबर 7 वाला टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रहने वाली है, 1 रहने वाली है, यानी कि एक एक दोनों के वैकेंसी रहने, ये मैं फ्रेशर कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब देखिए हमारा क्या है नंबर 6 और नंबर 7 की बात थी, तो देखिए क्या क्या हमारा वर्क रहने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या वर्क रहने वाला है, एमएफ वर्कर प्रोफेशनवादी है ना, आप यहाँ पर ये सारी चीजें अपना रीड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करते आते हैं, और यहाँ पर देखिए कुछ जो इंपोर्टेंट चीज है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सर वो बताइए हमारी, है ना। आपने फ्रेशर बोल दिया, हमें नहीं बिलीव हो रहा, तो बैचलर इन फार्मेसी फ्रॉम दी AICTE गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट एंड हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ अंडर फार्मेसी काउंसिल ऑफ ओडिशा,
क्या है कि आपका इस कॉलेज से आप पास आउट होने चाहिए, जो क्या है जिसका AICTE से गवर्नमेंट अप्रूवल हो, किसी भी इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, और क्या है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ ओडिशा से क्या हो भैया रजिस्टर्ड आप होनी चाहिए। ठीक है जी, यही पर मैं CSSG असिस्टेंट की बात करूँ तो बैचलर फार्मेसी ने AICTE, और ये भी सेम हम यहाँ पर क्या है एलिजिबिलिटी मांगी गई है, कोई भी एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पर नहीं बोला गया है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज आपकी 38 साल हो सकती है, तो एज लिमिट भी मैंने आप लोगों को बता दी, रहने वाला है, मैंने पूरी की पूरी चीजें आपको बता दी। अब अगर जो देखें मैं, अगर जो आप लोगों से CSSD के और टेक्नीशियन असिस्टेंट के सिलेबस के बारे में बात करो, तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ये आपका सिलेबस रहने वाला है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। ठीक है, मेन मेन क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को समझा दिया, बता दिया, लास्ट डेट क्या रहने वाली है वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दी, समझा दी, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा, तैयार रहेगा, क्योंकि डेली फार्मा जॉब वैकेंसीज ऐसी इसी प्रकार से अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ। और आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं BSV फार्मेसी का, जहाँ पर आप लोगों को क्या है टेस्ट सीरीज सारी चीज आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी, और आप उसको हमारे एप्लीकेशन को आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप PC में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।